कहानी का नाम अनदेखा साथी। एक दिन आलिसा ने अपने माँ पापा को छोड़कर नए शहर मुंबई में ग्राफिक डिजाइनर वीडियो गेम कंपनी में जॉब करने लगी और किराए वाले मकान में रहने लगी। 2-3 दिनों तक ठीक था, लेकिन एक रात 3 बजे रहस्यमय घटना घटी। एक रात जब मैं काम से लौट रही थी, बिल्डिंग में जा रही थी और लिफ्ट से निकलकर रूम में जा रही, तो अचानक कॉरिडोर का लाइट बंद हो गई। उस अंधेरे में चांद की रोशनी में एक लड़का का परछाई देखी तो आलिसा डर गई। आलिसा अपना मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाई तो देखी तो वह कोई नहीं था, क्योंकि कॉरिडोर में उसके अलावा और कोई नहीं था। उसे लगा काम कर थक गई है और नींद भी बहुत आ रही है, तो उसने थोड़ा आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलने लगी। तभी कॉरिडोर इतना सुनसान था कि अलीसा को लगा कि समय रुक गया हो। वह अपनी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कॉरिडोर में इतना घना अंधेरा कि मानो लग रहा कि मोबाइल से निकल रही रोशनी अंधेरे में कहीं गुम सी हो गई हो। जैसे ही अलीसा ने अपने रूम का दरवाजा खोला तो अचानक से तभी किसी पैरों के चलने की आवाज आने लगी और उसे वह आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अलीसा बहुत डर गई। अचानक वह पैरों की आवाज आना बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा था वह क्या हो रहा है। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई है। मुझे लगा मेरे पीछे कोई जोर जोर से सांस ले रहा। मैं इतना डर गई कि डर की वजह से मेरा पूरा शरीर ठंड पर गया। थोड़ी देर तक सून रह गई। फिर आलिसा ने डर डर आगे बढ़ा और जल्दी से रूम के अंदर जाके जोरों से दरवाजा बंद कर दिया। वो कौन था, कोई गोस्ट या कोई किलर या उसका कोई बॉयफ्रेंड, ये सब सवालों का जवाब अगले पार्ट में।